एक बार फिर से मैंने नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसएस मद से मार्च 2022 के अलॉटमेंट से संबंधित सूचना। तो वीडियो को चालू करने से पहले मैंने नियोजित टीचर न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि वेतन अपडेट, आवंटन और शिक्षा विभाग से संबंधित तमाम जानकारी अपडेट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। बिहार शिक्षा परियोजना शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज जी से मिली जानकारी के अनुसार बिहार राज्य परियोजना से आवंटन की राशि पास होकर निकल चुका है। अब आप सभी मुस्लिम भाइयों का ईद पर्व फीका नहीं जाएगा। इस पर्व में सभी शिक्षकों को वेतन मिलने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि आवंटन भेजने से संबंधित सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है, लेकिन रविवार तक अवकाश होने के कारण इस सप्ताह में राशि 3800 जिला को मार्च 2022 का नहीं भेजा जा सका है, लेकिन अगले सप्ताह में निश्चित रूप से 3800 जिला को राशि भेज दिया जाएगा। तब तक सभी जिला संघीय पदाधिकारी 15% वृद्धि तथा 34% डीए के अनुसार विपत्र तैयार करा लें। इस संबंध में किसी को जानकारी उपलब्ध नहीं हो तो विपत्र से संबंधित मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि 15% वृद्धि और 34% डीए के अनुसार कुल कितना होगा वेतन, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस तरफ विपत्र तैयार करके रखे, जैसे ही जिला को राशि प्राप्त हो जाए वेतन भुगतान की प्रक्रिया बिना विलंब किए चालू कराया जा सके और सभी शिक्षक भाई अपना ईद पर्व खुशी पूर्वक मना सके। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।